अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर 2019 कोर्ट अपडेट। तो दोस्तों फिलहाल आज की ये आपकी सुनवाई नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो दोस्तों उसका कारण क्या है उसको देख लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, बड़ी खबर, आज केस की सुनवाई नहीं होगी, जानिए क्यों। दोस्तों इसका कारण यह था कि आज आपके जस्टिस साहब इरशाद सर के अवकाश पर होने के कारण आज अपने केस की सुनवाई नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे इंतजार कर रहे थे यार कि 5 के बाद अब आज की तारीख लगी है, क्या होगा आज, तो दोस्तों बस वही हुआ। आज भी हर रोज की तरह आज भी आपकी सुनवाई नहीं हो पाई। अब दोस्तों आपके मन में दूसरा सवाल कि अब अगली सुनवाई कब होगी। जी हाँ दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करेंगे वीडियो के दौरान कि कब हो सकती है आपकी सुनवाई। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे किस्मत भी साथ नहीं दे रही। जी हाँ दोस्तों, किस्मत भी खराब ही हम कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग कि यार हर बार कुछ ना कुछ दोस्तों कोई ना कोई मैटर आ जाता है। जब भी आपकी सुनवाई के दौरान कुछ ना कुछ हो जाता है। तो पिछले दोस्तों डेट पर भी आपकी सुनवाई नहीं हो पाई थी और इस बार भी आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों लास्ट कोर्ट केस में भी आपने देखा होगा कि आपके जस्टिस इरशाद सर मतलब जज साहब आपके बिजी थे। तो दोस्तों पिछली बार इरशाद सर बिजी थे और इस बार इनकी आज छुट्टी है। तो दोस्तों इस कारण से आपकी आज की सुनवाई नहीं हो पाई है। तो अब दोस्तों बात करेंगे यार अभी कितने और दिन इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के सवाल आने शुरू हो चुके हैं। 2020 या 2022? 2022 में दोस्तों आपके इलेक्शन होने हैं, चुनाव होने वाले हैं, तो इसीलिए बच्चों का सवाल सीधे 2022 को लेकर आ रहा है कि क्या 2022 में अब नौकरी मिलेगी। सबको पता है दोस्तों कि अगला जो चुनाव होगा 2022 में होगा अपने यूपी में। तो क्या 2022 तक ये शिक्षक भर्ती जाने वाली है कि जा सकती है कि क्या है? देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका मुद्दा क्या है। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ मुद्दा है और इसमें डिसाइड क्या करना है। दोस्तों देखिए इसमें सिर्फ मामला इतना है कि कोर्ट को बस इतना डिसाइड करना है कि सरकार पेपर हो जाने के बाद कट ऑफ निर्धारित कर सकती है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर हुआ था 6 जनवरी 2019 को। तो दोस्तों बस इतना डिसाइड करना है कि क्या पेपर होने के बाद कट ऑफ लगाया जा सकता है, ये संभव है या नहीं। तो दोस्तों बस इतना ही मामला है और कुछ भी मामला नहीं है। अगर दोस्तों ये 5 तारीख को आपको कट ऑफ लगा दी जाती तो किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस होता ही ना कभी। तो मतलब 7 तारीख को आपका दोस्तों जो लगा है कट ऑफ फाइनल मुद्दा है, जो भी कही आप 60-65 लगाएगी 7 जनवरी 2019 को, इसीलिए दोस्तों ये केस इतना लंबा खिंच रहा है। तो ऐसे दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो जज साहब इसको खुद भी डिसाइड कर सकते हैं मामला को बिना सुने, क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि जब बात 7 तारीख को हो चुका है, आपका कट ऑफ लगाई जा चुकी है, तो कोई मतलब भी नहीं बनता है दोस्तों सुनने का, क्योंकि सबको पता है कि यार जो भी जज साहब चाहेंगे वही फाइनल डिसीजन होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें तो पता ही चल चुका है यार इसमें आखिर मैटर क्या है, मामला क्या है। 7 तारीख को कट ऑफ लगी है, बस ये हमें फाइनल करना है कि कट ऑफ जो लगी वो लीगल है या इलीगल, मतलब ये लगाई जा सकती है या नहीं। तो दोस्तों ये फिलहाल आज की नोटिस थी कि आज जो आपके जस्टिस साहब थे, सर थे, इरशाद सर, वो नहीं आ सकते, उनकी छुट्टी वाला मैटर। तो फिलहाल दोस्तों आज की सुनवाई आपकी नहीं हो पाई है। तो बच्चे काफी निराश हुए आज भी, क्योंकि यार इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह दोस्तों 5 दिसंबर की वो डेट गई थी। याद होगा दोस्तों आपको जो लास्ट टाइम था 5 दिसंबर, ठीक है, तो उधर दोस्तों 4 तारीख को सुनवाई थी, चलो ठीक है 4-5, फिर आज 9 थी। अब दोस्तों अब क्या होता है देखते हैं कि कब की आपको अगली डेट मिलेगी, क्योंकि खाली सिर्फ इतना सा मैटर है। अब आप लोग दोस्तों जब आपकी कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है आपने देखा होगा बीएड को लेकर बात होती है, कोई मतलब नहीं यार बीएड को लेकर क्या बात करना, जब हमें पता है कि कट ऑफ मुद्दा है, खाली बस हमें इतना डिसाइड करना है कि जो ये आपकी कट ऑफ लगाई गई है वो 7 जनवरी को लगाई जा सकती है या नहीं, ना तो दोस्तों 7 को लगाई जा सकती है 8 को, मतलब खाली ये डिसाइड करना है कि पेपर के बाद जो ये कट ऑफ निर्धारित की गई 7 आदेश आया 60-65 को लेकर वो सही है या गलत है, बस इतना सा ही आपका केस है। ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है। तो बस यार इतना ही डिसाइड नहीं हो पा रहे इतने लंबे समय से जो सुनवाई चल रही है। तो आप सोचते होंगे दोस्तों बीएड का मुद्दा आता है, नए नए दोस्तों पिछले तर्क दिए जाते हैं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, सरकार ये गलत कर रही वो गलत कर रही। दोस्तों सिर्फ इतना ही हमें डिसाइड करना है, उसको डिसाइड करने में 1 साल समय बीत चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपकी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आया था लगभग 1 दिसंबर 2019 को जारी हुआ था, मतलब 2018 को, और दोस्तों आप देख रहे होंगे यार 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, 9 दिसंबर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 9 दिसंबर की कोर्ट अपडेट हम देख रहे हैं, तो 1 साल समय हमारा बीत चुका है बस इसी बात को लेकर कि यार हमारी फाइनल कट ऑफ क्या होगी। तो दोस्तों देखते हैं क्या होगा, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में काफी लाखों छात्र बैठ चुके हैं कि यार अब नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। और दोस्तों आपकी एक और शिक्षक भर्ती 68,500, उसमें भी दोस्तों अब ये डिसाइड करना है कि आपके जो कट ऑफ है उसको आउट डाउन किया जा सकता है या नहीं, मतलब उस कट ऑफ को 30-33 किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों अगर वहां 30-33 कट ऑफ हो जाएगी तो आपको एक बढ़िया फायदा मिलेगा। फायदा ये होगा दोस्तों कि कुछ शिक्षा मित्र उधर नौकरी ले लेंगे, तो जितने दोस्तों शिक्षा मित्र 30-33 में नौकरी लेंगे
तो समझ लीजिए उतनी सीटें आपके लिए खाली होती जा रही हैं। हर एक सीट दोस्तों जितनी वो मतलब यहाँ पर नौकरी लेंगे 10,000, 5,000, 2,000 शिक्षा मित्र, तो दोस्तों 2,000 जो सीट बचेंगे उसमें बीटीसी और बीएड के छात्र ही तो नौकरी पाएंगे ना। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो हम लोग दोस्तों देख रहे थे यार कि किसी तरह सुनवाई हो जाए तो बढ़िया रहता, कुछ थोड़ा बहुत मामला आगे बढ़ता कि बीएड क्या क्या होता है दोस्तों। मतलब देखिए अभी तक आप हो रहा तो उम्मीद की दोस्तों आज 40-45 के कम से कम मिश्रा सर का ये किसी न किसी का सबमिशन कंप्लीट तो होना शुरू होना, अभी तक किसी का सबमिशन तक नहीं हो पाया। सिर्फ दोस्तों मामला इस बात पर फंस रहा है कि बीएड लीगल है इलिजिबल है या नहीं, मतलब लीगल इलीगल का ये इलिजिबल है कि नॉट इलिजिबल है, इसी के दोस्तों देख रहे थे समय से, लंबे समय से आपका मामला फंसा हुआ है। उम्मीद दोस्तों कर रहे थे कि यार आज कुछ हो सके, लेकिन आज भी हर रोज की तरह दोस्तों सुनवाई नहीं हो पाई। मतलब अब तो दोस्तों लगातार 2 डेट पड़ चुकी है आपकी कि जब आपकी केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों देखिए निराश होना स्वाभाविक है, अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है आने वाले टाइम में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और बता दीजिएगा कि भाई अभी फिलहाल अपनी सुनवाई नहीं हो रही आज आज उसका दोस्तों ने रीजन दे दिया कि क्यों सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप आपके जज साहब छुट्टी पर हैं। तो देखिए दोस्तों जब आपका खुद का मामला होता है तो आपको सभी को होता है यार कि एक दिन की छुट्टी से कितना नुकसान हो सकता है लोगों का, क्योंकि देख रहे होंगे कि 4 लाख बच्चे राह देख रहे थे आज की डेट का कि क्या होगा। जी हाँ दोस्तों हर एक बच्चों की नजर थी आज की सुनवाई पर, 4,10,000 बच्चों की कि यार क्या होगा, आज सुनवाई होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा। तो फिलहाल आज की सुनवाई तो नहीं हो पाई, और दोस्तों नहीं हो पाई तो आपने देखा क्या हुआ, सभी बच्चे हुए परेशान। जी हाँ दोस्तों सबका मतलब होता है ना कि एक तो यार ऐसे मानसिक रूप से सभी बच्चे परेशान हो चुके हैं यार, रोज का रोज, रोज का रोज नहीं हो पा रही सुनवाई सभी बच्चे की, कितनी जल्दी से जल्दी केस फाइनल हो। तो बस दोस्तों आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि आप लोग 69,000 को फिलहाल अभी थोड़ा सा इग्नोर करें और कुछ ना कुछ अपना नया सोचिए दोस्तों। नया नया मतलब दोस्तों या कोई नई नौकरी के लिए सोचिए या कुछ और सोचिए। देखिए यहाँ पर आपका भी समय लगेगा, जो ये बच्चों के कमेंट आते हैं ना 2020 और 2022 करके, तो दोस्तों इसमें भी काफी हद तक सच्चाई होती है। सच्चाई दोस्तों ये कि 2022 में हमारे चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले 6 महीने पहले आचार संहिता लागू होती है। तो दोस्तों क्या 2020 ना 2022 क्या 2021 तक जाएगी शिक्षक भर्ती, क्योंकि दोस्तों आपको कि अभी आपकी शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट से भी होकर गुजरना है। जी हाँ दोस्तों आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा ही जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर 60-65 की जीत होती है डबल बेंच से, तो हो सकता है कि सरकार चाहे तो आपको अंतरिम राहत पर नौकरी दे सकती है। मान लेते हैं दोस्तों अगर 40-45 की जीत होगी तो क्या होगा फिर दोस्तों ये मामला, तो आपको पता है कि सरकार तो नौकरी देने वाली नहीं आपको, फिर कहेंगे कि नहीं हम योग्य बच्चों को ही नौकरी देंगे। तो योग्य के लिए दोस्तों होगा क्या, मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा दोस्तों तो वहां भी सुनवाई चली गई थी जैसे यहाँ चल रही वैसे वहां भी चलती रहेगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो और भी ज्यादा बिजी कोर्ट है। जी हाँ दोस्तों यहाँ से काफी ज्यादा बिजी वहां रहते हैं लोग, तो वहां पर तो पूरे देश के मामले आते हैं। अभी तो दोस्तों आपका जो मामला चल रहा है लखनऊ में, यहाँ तो सिर्फ यूपी के लेवल के मामले होंगे, तो फिलहाल इतना समय लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में सोचिए कितना समय लगेगा। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है, फिलहाल आज की सुनवाई तो आपकी नहीं हो पाई है किसी कारणवश। तो आपने कारण भी देखा और आपने आज मामला भी समझ लिया कि यार जो हमारा शिक्षक भर्ती का मामला है वो कितना आसान सा मामला है, उसमें दोस्तों चाहे तो यार एक दिन में भी फैसला किया जा सकता है। तो जैसा आप पर डिपेंड्स करता है कि वो डिसाइड कर दें कि जो आपका ये मैटर है 69,000 शिक्षक भर्ती का, कि कट ऑफ या तो पहले लगाई जा सकती हो तो सही बात है, जैसे मतलब बाद में अगर लगाई जा सकती है तो 60-65 को तुरंत जीत दी जा सकती है। अगर दोस्तों बाद में नहीं लगाई जा सकती है तो फिर दोस्तों दूसरा विकल्प बचता है जीरो, कट ऑफ शून्य हो जाए कि मतलब लगाई नहीं जा सकती तो दे क्या। और एक दोस्त एक और विकल्प बचता है तीसरा कि 68,500 जो शिक्षक भर्ती थी उसको उसका पार्ट टू 69,000 को मान के यहाँ पर भी 40-45 कट ऑफ लगाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों सिंगल बेंच में क्या हुआ, कुछ ऐसा ही हुआ कि 68,500 जो शिक्षक भर्ती थी उसको पार्ट टू माना गया 69,000 को, ठीक है 68,500 का जो पार्ट टू माना गया 69,000 शिक्षक भर्ती को, उसी के आधार पर 40-45 के दोस्तों यहाँ पर जीत हो जाती है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात होगी क्या डबल बेंच में भी जस्ट आप कन्विंस होंगे, वो मानेंगे कि नहीं यार 68,500 की ही पार्ट टू है। अगर पार्ट टू है तो यहाँ पर 40-45 की जीत दोस्तों 100% श्योर होता है। अगर पार्ट टू नहीं है तो फिर दोस्तों जज साहब जो चाहेंगे वो डिसीजन दे सकते हैं, या तो शून्य दे सकते हैं या तो दोस्तों वो दे सकते हैं 60 और 65 कट ऑफ को लेकर, क्योंकि विज्ञप्ति में कुछ लिखा नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक बात यहाँ पर और डिसाइड होनी है कि क्या जो आपकी कट ऑफ है वो पेपर के बाद लगाई जा सकती है, अगर लगाई जा सकती है तो 260-65 को भी जीतने से कोई नहीं रोक सकता, अगर नहीं लगाई जा सकती फिर शून्य कट ऑफ भी है, अगर पहले वाली कट ऑफ मानेंगे तो 40-45 भी है। तो दोस्तों ये सब मामला देख रहे हैं आप लोग कितना उलझता चला जाता है अगर आप सोचने पर बैठ जाए कि यार फाइनल कट ऑफ क्या होनी चाहिए। दोस्तों तो हर तरह से लगता है कि यार ये वाली भी सही है, वो वाली भी सही है, तीसरी वाली भी सही है। ठीक है दोस्तों देखिए सभी के लॉजिक बहुत ही सही होते हैं,
इसीलिए दोस्तों ये मामला आपका इतना लंबा खींचता हुआ चला रहा है। अब देखते हैं कि क्या होगा यार अगली सुनवाई में, तो वेट एंड वॉच। तो दोस्तों जैसे अगली सुनवाई की डेट निर्धारित होगी कि कब आपकी अगली सुनवाई होगी, तो हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और फिलहाल दोस्तों आज की आपकी सुनवाई नहीं हो पाई, ठीक है ना? तो अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।